हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनूज इंडियन किचन। आज हम बनाएंगे आटे से बनी नान, जो बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि मैदे की नान हम रोज रोज नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो हमें नुकसान करती है। तो दोस्तों, हम बनाते हैं आटे की नान, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी नान बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटे के लिए है मैंने, और अब हम यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और ये 1/2 चम्मच मैंने खाना सोडा डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, और 1 बड़ा स्पून ऑयल लेना है। ऑयल यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पर ये दही लिया है। जितना आपका आटा हो उसी के अनुसार आप दही ले सकते हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें नान के आटे को मारने के लिए ठंडा पानी यूज नहीं करना है, हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, नहीं तो आपकी नान जो है टाइट हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से गर्म पानी डालते हुए अपने नान के आटे को अच्छे से मार लेना है। और तो दोस्तों, हमारा नान का आटा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, अभी इस तरह से टूट रहा है, इसलिए हमारी रोटी अभी अच्छी नहीं आएगी। तो हमें इसे 1/2 घंटे के लिए इस तरह से मार कर यूपी ढककर रख देना है। 1/2 घंटे बाद हम अपनी रोटी बनाएंगे। तो देखिए, हमारा नान का आटा, ये देखिए इसमें लस आ गया है, अब हमारी नान बहुत अच्छे से बनेगी। तो चलिए बनाते हैं, एक डो बनाएंगे। पहले हम इसका डो बना लेंगे, और हमें इसे बेलने के लिए सूखे मैदे का इस्तेमाल करना है, हमें आटे का इसमें नहीं लगाना है सूखा आटा। बेलने के लिए दोस्तों, हमें इसकी राउंड शेप नहीं देनी है जैसे आप रोटी की देते हो, इसको हमें थोड़ा लंबा ही बेलना है, जैसे कि हमारी नान होती है। और हमारी नान ये बेल गई है, अब हम इसमें पानी इस तरह से पूरी नान पर लगा देंगे। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी नान तवे पे चिपक जाए, और अपनी फिंगर की सहायता से इसमें ऐसे गड्ढे कर देंगे। तो जिस तरह से हमने पानी लगाया था, जिस तरफ से, उसी तरफ से हम अपनी नान को तवे पे डालेंगे। ये देखिए, और इसे थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है या आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, और अपने हाथों से इस तरह इसको दबा देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी नान ये कितने अच्छे से फूलने लगी है। जब नान फूलने लगे तब आप ये समझ जाइएगा कि हमारी नान नीचे से पूरी तरह से सिक चुकी है। अब हम इसको बिना पलटे इस तरह से तवे से ऐसे ही सेकेंगे, जैसे तंदूर में सिकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी नान कितनी अच्छी से सिक गई है, और हम इसको जहाँ से आपको लगे साइड में, तो लो फ्लेम करके इस तरह से आप उसको पूरा इस तवा घुमा के सेक सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी नान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में तंदूर में बनाई जाती है, बिल्कुल फूली हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है। और नीचे से भी देखिए, ये अच्छे से हमारी नान पूरी तरह से सिक चुकी है। अब हम अपनी नान पर बटर स्प्रेड करेंगे। दोस्तों, मैंने गरम रोटी पे बटर डाला था, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, और मैंने स्पून की सहायता से इसको पूरा फैला दिया है। तो देखिए, आप घर में इस तरह से आटे की नान बिल्कुल बनाकर खा सकते हैं, और ये हेल्दी भी रहेगी, आपको बिल्कुल भी मैदे की तरह नुकसान नहीं करेगी। आपकी जब मन हो आप बनाकर खा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी नान है, और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुकी है, और ये सिक भी चुकी है। ये देखिए, आप भी घर में बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।